नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निधि बिष्ट और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने शनिवार को अपने आवास में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। शनिवार को काफी संख्या में लोग पहुंचे थे। इसके अलावा कुमाऊं कमिश्नर ने अन्य शिकायतों को भी सुना, जिसमें बिजली भूमि विवाद से जुड़ी समस्याएं सामने आई, जिनको संबंधित अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए। नैनीताल और उधमसिंह नगर जनपद के गाँव में सालों से बंदोबस्ती कार्य प्रगति की जानकारी लेते हुए नायब तहसीलदार बंदोबस्ती और उप जिलाधिकारी को बंदोबस्ती कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। सड़क में गड्ढे होने और कहीं कहीं सड़क ही ना होने से बरसात के समय बुजुर्गों और बच्चों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही गड्ढे होने से आए दिन दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। फरियादियों ने कुमाऊं कमिश्नर से सड़क नवनिर्माण कार्य कराने का अनुरोध किया, जिस पर कुमाऊं कमिश्नर ने नगर आयुक्त नगर निगम को सड़क निर्माण करने के निर्देश दिए। नहीं, मैंने ये सुना नहीं कि एसपी ने क्या कहा है, ये मेरे पास नहीं है, पर पता चल जाए क्या बोला उन्होंने। प्रशासन की ओर से तो गवर्नमेंट की ओर से बजट बनता है, इसमें सबसे पहले तो बहुत वाइड कंसल्टेशंस हुए थे, स्टेक होल्डर्स की बात रखी गई थी, लेकिन हमने भी जहाँ पे अपने सुझाव देने थे उस वक्त जब यहाँ पे माननीय वित्त मंत्री जी भी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे और सारे ऑफिसर्स थे, उसमें सुझाव हमारी ओर से दिए गए थे। देखिए, इसमें स्किल डेवलपमेंट पर तो खैर बहुत अच्छा काम हो रहा है और स्किल डेवलपमेंट का भी पिछले शनिवार को यहाँ से हमने रथ भी अनवेल किया था, जिसमें बहुत सी स्किल्स ऐसी हैं जो कि आके रोजगार परक हैं, इसमें आगे लाभ मिलेगा, उसमें रेजिडेंशियल स्कीम्स भी हैं, उस पर जोर दिया जा रहा है और उसकी हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।